As I said, today is the day of Pentecost. जैसे मैंने बताया कि आज पेंटिकॉस्ट का दिन है. It is a very, very special day. ये एक बहुत विशेष दिन है. It is just as important as Christmas and Easter. ये क्रिसमस और ईस्टर जैसे इम्पोर्टेंट है, इसी तरह है. On Christmas, God became man. और क्रिसमस के दिन परमेश्वर मनुष्य बन गया. On Easter, Jesus died and rose again from the dead. और ईस्टर के दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में चले गए थे, फिर वो पुनरुत्थान हुए. And on the day of Pentecost, और पेंटिकॉस्ट के दिन The Holy Spirit came on humanity. पवित्र आत्मा मनुष्य जाति में आ गया. The day of Pentecost was a special festival for the Jews as well Christians. और जो पेंटिकॉस्ट का दिन है, वो यहूदी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और क्रिश्चियंस के लिए भी. This festival was celebrated on the 50th day from the day of Feast of Passover. और ये पासोवर के 50 दिन में ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है. And they were celebrating this festival and calling this the feast of first fruit as well. और इस फेस्टिवल को वो लोग मनाते हैं और इसको पहले फल का फेस्टिवल वो लोग बोलते हैं. It's called the harvest festival. या खेती का त्योहार बोलते हैं. But Jesus died on the feast of Passover. लेकिन यीशु मसीह ने जो पासोवर का फीस था वहाँ पे उसने वो मृत्यु हुआ था. Then he rose again on the following day. उसके बाद फिर वो आने हुए समय में वो जी उठे. And then from that day until the day of Pentecost there were 50 days. और उस दिन से पेंटिकॉस्ट का दिन तक 50 दिन था. So Jesus coincides the feast of Pentecost which also means the coming day of the Holy Spirit. और ये यीशु मसीह ने ये फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट को पवित्र आत्मा आने का दिन बताता है किया है. And on this day, the church began. और इस दिन को कलेशिया शुरुआत हुआ था. When the day of Pentecost came, the Holy Spirit came. और जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, उस दिन ही पवित्र आत्मा आया था. When the Holy Spirit came, the church was birthed. और जब पवित्र आत्मा आया, उस दिन में वह चर्च कलेशिया पैदा हुआ था. It was as if this is the harvest festival. इसका ऐसे होता है कि जैसे ये खेती का त्योहार है. God was collecting the harvest by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर खेती को उठा रहा था पवित्र आत्मा के द्वारा. The Jews also associated the feast of Pentecost with the giving of the law on Mount Sinai. और Jews इसको जो माउंट सिनाई में जो विधान को दिया गया था उसके साथ ये वो लोग जुड़ाता है. The law is the old covenant. और जो विधान था वो पुराना वचा था. And when the Israelite came out of Egypt, जब इज़राइली मिस्र देश से आया था निकल के, the day before they sacrifice a lamb, और उससे पहले वो लोग एक मेमना को बलिदान दिया था. From that day, that sacrifice was known as the Passover sacrifice. और उस दिन से Passover. और उसको पासओवर सैक्रिफाइस बोला गया था. बिकॉज व्हेन दे सैक्रिफाइस द लैम्ब एंड पुट द ब्लड ऑन द डोरपोस्ट, जब उन लोग ने मेमना को बलिदान देके लहू को दरवाजा में लगाया था, द एंजल ऑफ डेथ पास्ड ओवर देयर हाउस. तब जो मृत्यु का स्वर्गदूत था वो वहां से चला गया था. But whichever house has no blood, लेकिन जिस भी घर में लहू नहीं लगाया था, the firstborn was dead. उसका पहला था मर गया था. So the feast of Passover was a day when the death angel passed over Israelites. इसलिए जो feast of Passover है वहाँ पे मृत्यु का एंजल पार होके चला गया था. Then when they came out of the Egyptian bondage and went into the wilderness, लेकिन जब वो लोग मिस्र देश का बॉन्डेज से निकल के वो लोग जंगल में आया था, then God wanted to give them the law. लेकिन तब परमेश्वर ने विधान को दिया था. That was on 50th day. और वो 50 दिन में वो हुआ था. From the day they sacrificed the lamb until the day Moses was called to come up on Mount Sinai, 50 day had passed. जिस दिन से वो लोग वहाँ पे लहू पासोवर से वहाँ जब मोसेस लॉ को लेने गया था वो 50 दिन था. When God met Moses on Mount Sinai, जब परमेश्वर ने मोसेस को मिला था माउंट सिनाई में, he came with clouds and fires and thunder. वहाँ पे वो बादल लेके आया था और बिजली लेके आया था और ऐसे आया था. In other words, God was coming down to meet Moses on Mount Sinai. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर मोसेस को मिलने के लिए माउंट सिनाई में आया था. And then God gave Moses the instruction to build a tabernacle. और परमेश्वर ने मोसेस को एक
टैबरनेकल बनाने के लिए बोला था. And this tabernacle was supposed to be kept in the center of the Israelites' camp. और इस तंबू को परमेश्वर ने इस्राएलियों का बीच में बनाने के लिए बोला था. And God's presence would be in that tabernacle. और उस तंबू में परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा. In other words, God came down to live among people. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर लोगों के बीच में रहने के लिए आया था. But somehow the old covenant, the people couldn't keep it, and they abandoned the presence of God. लेकिन पुराना नियम को कोई लोग नहीं रख पाया और परमेश्वर का उपस्थिति को लोगों ने छोड़ दिया. Now on the day of Pentecost, और जब पेंटिकोस्ट का दिन को, on the 50th day of the resurrection of Jesus Christ, जब जो 50वां दिन था, 50 डे 50 दिन था जहां पे यीशु मसीह ने उठा था, पुनर्जन्म हुआ था. The Holy Spirit came down to live among people. पवित्र आत्मा आके लोगों के बीच में रहा. Through the presence of the Holy Spirit, God was now living in and among the people. और परमेश्वर पवित्र आत्मा का उपस्थिति से परमेश्वर लोगों के अंदर में रहता था. He was not only happy to live on the Mount Sinai. खाली वो माउंट सिना में रहके खुशी नहीं था. He wasn't happy to live in the tent of the meeting. वो खाली जो टैबरनेकल था वहां पे रहके वो पसंद नहीं कर रहा. Now in the day of Pentecost, by the grace of God, he had come to live in your heart and my heart. और पेंटिकोस्ट का दिन को वो आके हमारे आपका हृदय में और हमारे हृदय में रहने आया. You became the temple of God. Church became the temple of God. आप लोग परमेश्वर का मंदिर बन गए और कलीसिया परमेश्वर का मंदिर बन गया. That is why the day of Pentecost is very important. इसलिए जो पेंटिकोस्ट का दिन है बहुत जरूरी है. And we all must have our own Pentecost. इसलिए हम लोग का प्रत्येक जन का एक पेंटिकोस्ट रहना जरूरी है. We must have this experience of being filled with the Holy Spirit. हम सभी का पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का ये एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है. We must know what it is to be filled with God himself inside our hearts and mind. और ये हम लोग को सभी को जानना जरूरी है कि परमेश्वर जब हमारे हृदय और मन में परिपूर्ण रूप से आता है. Do you know your body is the temple of God? आप लोग जानते हैं कि नहीं कि आप लोग का जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है. The heaven and earth is connected through our bodies. और स्वर्ग और पृथ्वी आप लोग का हम लोग का शरीर के द्वारा कनेक्टेड है. So let us read what happened on the day of Pentecost in Acts chapter 2 verse 1 to 4. इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्या हुआ पेंटिकोस्ट का दिन को Acts chapter 2 में 1 to 4. Here it says, when the day of Pentecost came, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, they were all together in one place. वो लोग सभी एक ही जगह में इकट्ठे थे. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven. और उसी समय एक बहुत जोर से हवा का झोंका आया और सड़क से आया वो घर को भर दिया. And they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. और उन लोगों ने देखा कि जो एक जो आग का जो जीव आया और सभी के ऊपर में बैठ गया. All of them were filled with the Holy Spirit. और सभी कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए. And began to speak in another tongue as the Spirit enabled them. और उन लोग दूसरे अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे क्योंकि आत्मा ने उन लोग को दिया था. The day of Pentecost was a special day for the Jews. और पेंटिकोस्ट का दिन बहुत विशेष दिन था यहूदी के लिए. They had come from all over the world to celebrate in Jerusalem. और वो लोग प्रत्येक जगह से आए थे जेरूशलेम में सेलिब्रेट करने के लिए. But the disciples were not so sure what to do. लेकिन जो शिष्य थे वो लोग नहीं जान पा रहे थे क्या करना है. So they were sitting in one place. और उन लोग एक ही जगह में थे. And something amazing happened. और एक बहुत आश्चर्य रूप का चीज हुआ. They were all filled with the Holy Spirit. और वो सभी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया. The thing that never happened before happened on the day of Pentecost. और जो चीज पहले में पहले कभी नहीं हुआ पेंटिकोस्ट का दिन को हुआ था. And the way the disciples were filled on the day of Pentecost. और जैसे शिष्य लोग पेंटिकोस्ट का दिन में परिपूर्ण हुआ था. In the same way we also need to be filled with the Holy Spirit. इसी तरह हम सभी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है. We must have our personal Pentecost. हम लोग का प्रत्येक जन का व्यक्तिगत पेंटिकोस्ट रहना बहुत जरूरी है. Because this experience of being filled with the Holy Spirit was not unique only to the believers. क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस था ये खाली विश्वासी लोग के लिए नहीं था. Jesus himself went through this experience. यीशु मसीह भी इस एक्सपीरियंस के द्वारा गया था. In Matthew chapter 3 verse 16 and 17 it says. Matthew chapter 3 verse 16 और 17 में बोला गया है.
As soon as Jesus was baptized, जब यीशु मसीह को बैप्टाइज किया गया, he went up out of the water. वो पानी से उठा. At that moment, heaven was opened. और उस समय स्वर्ग का दरवाजा खोल गया था. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. और उसने देखा एक परमेश्वर का आत्मा कबूतर के तरह नीचे आया. And a voice from heaven said. और एक आवाज स्वर्ग से आया. This is my son whom I love. ये मेरा प्रिय संतान है जिसको मैं प्यार करता हूँ. And with whom I am well pleased. और जिसको लेके मैं बहुत आनंदित हूँ. Jesus, the Son of God, also received the fullness of the Holy Spirit. और यीशु मसीह जो परमेश्वर का संतान है वो भी पवित्र आत्मा का परिपूर्णता को पाया था. John the Baptist baptized him in water. यूहन्ना जो बपतिस्मा था वो उसको पानी में बपतिस्मा दिया था. And as soon as he came out of the water, जो पानी से निकल के आया था, the Holy Spirit comes like a dove. पवित्र आत्मा एक कबूतर के तरह आता है. And he sat upon the dove sits on Jesus. और वही कबूतर आके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में बैठता है. And the Bible says he was filled with the Holy Spirit. और बाइबल बोलता है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था. Then he was led in the wilderness by the Holy Spirit. और उसके बाद पवित्र आत्मा उसको विल्डरनेस में लेके गया. Then he was able to fast for 40 days and nights. फिर वो 40 दिन और 40 रात तक वो उपवास में रह सका. Then he came out of the wilderness in the power of the Holy Spirit and began to preach the gospel. फिर विल्डरनेस से वो पवित्र आत्मा के शक्ति से निकल के वो प्रचार करने लगा सुसमाचार को. For Jesus to begin the ministry to preach the gospel, he had to be filled with the Holy Spirit. और यीशु मसीह सुसमाचार को प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी था. How much more we need to be filled with the Holy Spirit. हम सभी को भी कितना जरूरी है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना. Jesus is the example for us to follow. यीशु मसीह एक उदाहरण है हमें फॉलो करने के लिए. Unless we are filled with the Holy Spirit the way Jesus was filled, जब तक हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता है जैसे यीशु मसीह परिपूर्ण हुआ था, we will be led by the flesh. हम लोग हमेशा शरीर से ही चलते रहेंगे. And our flesh will never lead us to the path of peace and prosperity. और हम लोग का शरीर कभी भी जो रास्ता है शांति और उन्नति का उसमें कभी नहीं ले जा सकता. So today is the day of Pentecost. इसलिए आज जो दिन है पेंटिकोस्ट का दिन है. The day in which the Holy Spirit came in a special way. जिस दिन में पवित्र आत्मा बहुत विशेष रूप से आया था. Just the way he came on Jesus. जैसे वो यीशु मसीह में आया था. He comes in many different forms and fashions. वो बहुत दूसरे आकार में और रूप में आता है. On Jesus he came like a dove. यीशु मसीह में वो कबूतर जैसा आया था. But here in the disciples' life, we see him like a mighty rushing wind. लेकिन शिष्य के जीवन में हम लोग जोर से आने वाला हवा जैसे दिखाई दिया. And we saw how he came like tongues of fire. जैसे वो आग का जीव जैसा आया. Whatever the form it may be. जैसा भी रूप क्यों ना हो. We ought to be filled with the Holy Spirit. हम सभी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है. Then the prophets and even John the Baptist prophesied about this incident. और यूहन्ना बपतिस्मा भी इस विषय में उसने बोला था. He said in Matthew chapter 3 verse 11. Matthew chapter 3 verse 11 में उसने बताया था. I baptize you with water for repentance. मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ मन फिराव के लिए. But after me comes one who is more powerful than I. लेकिन मेरे बाद में एक आता है जो मुझसे बहुत शक्तिशाली है. Whose sandals I am not worthy to carry. जिसका सैंडल भी मैं उठाना योग्य नहीं हूँ. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से परिपूर्ण करेगा. In the Old Testament, many prophets had prophesied about the coming of the Holy Spirit. पुराना नियम में बहुत सारे भावत प्रोफेट्स ने इसके विषय में भविष्यवाणी किया था. Ezekiel said about it. Ezekiel ने बताया था. Isaiah said about it. Isaiah ने बताया था. Joel said about it. Joel ने भी बताया था. That in the last day, God is going to give us Holy Spirit. और अंतिम दिनों में परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को देगा. In the last day, God is going to live in and among people. और अंतिम दिनों में परमेश्वर लोगों के बीच में रहेगा. So John the Baptist says, Jesus is the one who is going to baptize you in the Holy Spirit. इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा ने बोला था कि यीशु मसीह वो है जो पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें बपतिस्मा देगा. Then Jesus himself informs his believers, his disciples about the coming baptism. और यीशु मसीह भी वो आने वाला बपतिस्म के विषय में अपने शिष्य को बोला था. In Acts chapter 1:5 he said, Acts chapter 1 verse 5 में वो बोलते हैं, For John baptized with water. यूहन्ना बपतिस करता है पानी से. But in a few days, लेकिन थोड़े ही दिनों में, You will be baptized with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस होंगे. Jesus was about to go to heaven. यीशु मसीह स्वर्ग में जाने वाले थे. And he was giving them the last message. और वो अंतिम मैसेज को वो दे रहा था. And he says, I am going now.
और वो बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ अभी. And after I go, और लेकिन मैं जब जाऊँगा, I'm going to send you the promise of the Father. मैं परमेश्वर का प्रतिज्ञा को मैं भेज दूँगा. And that promise is the baptism of the Holy Spirit. और वही प्रतिज्ञा परमेश्वर पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म है. So he said, I want you to know that the baptism you received from John was only for repentance. मैं तुमको ये बोलना चाहता हूँ कि जो पानी का बैप्टिज्म तूने पाया था, वो मन फिराव के लिए ही था. But in a few days you're going to be baptized with the Holy Spirit. लेकिन थोड़े ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा द्वारा बैप्टाइज होंगे. And that baptism is the baptism for power. और वही बैप्टिज्म शक्ति का बैप्टिज्म है. And after you receive the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा को पाएंगे, you're going to receive power, आप शक्ति को पाएंगे. And then you are going to be my witnesses. और तब आप मेरा witness बनेंगे. So he said, now go back to Jerusalem. इसलिए उसने बोला कि तुम जाओ जेरूशलेम. Wait in Jerusalem. आप जेरूशलेम में रहो. Until you receive the promise of the Father. जब तक तुम पिता का प्रतिज्ञा को ना पाओ. So here are the disciples waiting for the baptism of the Holy Spirit. और यहाँ पे शिष्य लोग बैठ रहे थे पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म को पाने के लिए. It had become 10 days of waiting. और 10 दिन हो गया रुकते रुकते. And when the day of Pentecost came. और जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, they were filled with the Holy Spirit. वो लोग पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण हो गए. So when we talk about the baptism of the Holy Spirit, इसलिए हम लोग जब पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म के विषय में हम लोग बोलते हैं, we see it happening in the life of Jesus. वो हम यीशु मसीह के जीवन में हम लोग देख पाते हैं. And we see how prophets prophesied about it. हम लोग ये भी देख पाए कि प्रोफेट्स ने इसके विषय में कैसे prophesy किया था. And how Jesus confirms that in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. और यीशु मसीह इसको confirm करते हैं कि थोड़े ही दिनों में तुम लोग baptized होगे पवित्र आत्मा द्वारा. And then the disciples are baptized. और इसके बाद जो शिष्य लोग वो लोग baptized होते हैं. So what was the attitude of the disciples? अभी हम लोग देखते हैं कि attitude क्या था शिष्य लोगों के. What kind of people received the baptism of the Holy Spirit? कैसे लोग पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मिला था. Before they received the baptism of the Holy Spirit, what were the disciples doing? और पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मिलने से पहले शिष्य लोग क्या कर रहा था? Because they become our model. क्योंकि वो लोग हमारे मॉडल बन गए हैं. We have to follow their example. हम लोग उनके उदाहरण को हम लोग को फॉलो करना है. That was the day when the church was founded on earth. और उस दिन को चर्च founded हुआ था पृथ्वी में. So before they were filled with the Holy Spirit, we see them together in one place, in one mind. और पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण होने से पहले हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग एक ही जगह में, एक ही मन में थे. When Jesus went to heaven 10 days ago, जब यीशु मसीह ने स्वर्ग में गया था 10 दिन पहले, He told them, "Go back to Jerusalem and wait for the promise of the Father." उन्होंने बोला कि तुम जेरूशलेम में जाओ और पिता का प्रतिज्ञा के लिए रुको वहाँ पे जाके. So all of these disciples were together in one place. और ये सब शिष्य एक ही जगह में थे, एक साथ. And if you read in chapter 1 also, we see them in one heart, one accord. और हम लोग chapter 1 में भी देख सकते हैं कि वो लोग एक ही हृदय में, एक ही मन में थे. If you want to receive the baptism of the Holy Spirit, अगर आप लोग पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म को मिल आपको आपको चाहिए, you have to check your relationship with fellow believers. आपको ये देखना पड़ेगा आप लोग एक दूसरे के साथ कैसे हैं, विश्वासी के साथ. Do you have a heart that is united in love and fellowship with fellow believers? आप लोग के पास ऐसा एक हृदय है जो जिसमें प्रेम है और एक दूसरे के जो फेलो बिलीवर्स है उन लोग के साथ मिलते जुलते रहने के लिए. Or are you filled with resentment and frictions and divisions? या आप लोग का हृदय में अंधकार है या एक दूसरे के प्रति गुस्सा है. The disciples were united in one place, waiting for the Father's promise. और शिष्य लोग एक ही जगह में, एक ही मन में बैठे थे, पिता का प्रतिज्ञा के लिए अपेक्षा कर रहे हैं. And then they had the attitude of prayer. They were in an atmosphere of prayer. और उन लोग का एक attitude था प्रार्थना करने के लिए. वो लोग प्रार्थना का परिवेश में थे. The Holy Spirit will never come into the life of a believer who is divided in his heart with the fellow believers. पवित्र आत्मा एक विश्वासी का जीवन में कभी नहीं आएगा जो जिसका हृदय विपरीत है. और दे नेवर स्पेंड टाइम इन प्रेयर. या जो एक साथ कभी प्रार्थना में नहीं बिताता है. Here we see the disciple 10 days continuously praying, waiting for God to do something. यहाँ पे हम लोग शिष्य को देख पाते हैं कि 10 दिन वो लोग रुक रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा को देने के लिए. And then thirdly, they had this eager expectation of something happening in their life. और तीन नंबर पॉइंट ये है कि वो लोग का हृदय में एक एक्सपेक्टेशन था कि जीवन में कुछ तो होगा. Jesus said, "Go and wait." यीशु मसीह ने बोला था कि जाके तुम रुको. They waited.
वो लोग अपेक्षा कर रहे थे. They were together in one place. वो लोग एक साथ एक ही जगह में थे. And then they were praying. और वो लोग प्रार्थना कर रहे थे. And they expected it to happen. और वो लोग इसको आशा किया था कि ये होगा ही. Today many Christians who are coming from a traditional Christian background. आज बहुत सारे क्रिश्चियन जो अपना ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आए हैं. They do not have the experience of the day of Pentecost. उन लोग के पास जो Pentecost का दिन का experience नहीं होता है. For somehow they have been influenced by a kind of teaching that says you don't have to expect new experience. और किसी तरह उन लोगों को सिखाया गया है कि तुमको नया experience के लिए रुकना नहीं है. But the baptism of the Holy Spirit is only given to those believers who expect to be baptized. और जो पवित्र आत्मा का baptism उनको ही मिलता है विश्वासी लोगों को जो इसको आशा करता है कि होगा. And those who seek to be baptized. और जो ढूंढता है baptized होने के लिए. And those who are spending time in prayer and asking God baptize me with the Holy Spirit. और जो परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है परमेश्वर को कि मुझे बैप्टाइज करो पवित्र आत्मा द्वारा. That they are willing to take time and join the prayer and a fellowship with other believers. कि वो लोग समय ले रहा है और प्रार्थना कर रहा है दूसरे विश्वासी के साथ प्रार्थना में बैठने के लिए. They want to produce fruit for the glory of God in their life. वो लोग परमेश्वर वो लोग फल को उत्पन्न करना चाहता है परमेश्वर का महिमा के लिए. And with that eager expectation, when we seek the Holy Spirit, और उसी उत्साह से जब हम पवित्र आत्मा को हम ढूंढते हैं, the Spirit of God will come. और तब पवित्र आत्मा आएगा. Maybe he will come like a dove. शायद वो कबूतर की तरह भी आ सकता है. Maybe he will come like a mighty rushing wind. शायद वो बहुत जोर से आने वाला हवा जैसा आ सकता है. Maybe he will come like a fire. शायद वो आग जैसा आ सकता है. Maybe he will come like a peace that surpasses all our understanding. शायद वो शांति की तरह भी आ सकता है जो सभी प्रकार के सुझबुझ को पार करता है. Maybe there will be no physical manifestation. शायद कोई भी फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी नहीं हो सकता है. But you will know. लेकिन आप लोग जान पाएंगे. When he comes. जब वो आता है. There's something happens inside us. कुछ होता है हम लोग का अंदर में. So every believer need to have this eager expectation to be filled with the Holy Spirit. इसलिए प्रत्येक विश्वासी को ये आशा रहना पड़ता है कि वो पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण हो जाए. When I became a Christian, जब मैं क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन बना था, it had become almost a year. एक साल हो गया था. And as I read the Bible, और जब मैं बाइबल को पढ़ने लगा, first I had to struggle to receive the water baptism. मुझे बहुत प्रयत्न करना पड़ा पानी का बपतिस्म पाने के लिए. In Nepal those days people were not easily baptized. और उन दिनों में नेपाल में बहुत जल्दी से लोगों को बपतिस्म नहीं देता था. If someone baptizes you, अगर कोई आपको बपतिस करता है, and you turn out to be a false Christian, और अगर आप एक झूठा क्रिश्चियन निकल जाते हैं, and you report to the police, अगर आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, the person who baptizes will go to jail for 7 years, 5 years. और जो इंसान आपको बपतिस करता है उसको जेल होता है 5 साल के लिए. So easily nobody would believe that you are a Christian. इसलिए कोई भी सहज रूप से विश्वास नहीं करेगा कि आप क्रिश्चियन हैं. So I had to really struggle to be baptized. इसलिए मुझे बहुत चेष्टा करना पड़ा बैप्टाइज होने के लिए. Finally I came to India in UP and I was baptized in India. और मैं इंडिया में आया और यूपी में मुझे बैप्टाइज किया. But it had become 1 year. और एक साल हो गया. And I read the Bible. मैंने बाइबल को पढ़ा. Then I heard about the baptism of the Holy Spirit. तो मैंने सुना पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म के विषय में. I had struggled to get the water baptism. मैंने बहुत चेष्टा करके मुझे पानी का बैप्टिज्म मिला. ये दूसरा कौन सा बैप्टिज्म है? And then what is this second baptism? कहाँ से मिलेगा ये? From where can I find it? I asked some of those pastors that I was associated with. मैंने कोई जो पास्टर के साथ मेरा थोड़ा संबंध था उन लोग से मैंने पूछा. They say you received this baptism the day you were baptized in water. और उन लोग ने बोला कि जिस दिन तुमको पानी में बैप्टिज्म मिला था उस दिन नहीं तुम्हें पवित्र आत्मा मिला था. Yes, the day I was baptized in water, it was a special day. हाँ, ये जो जिस दिन को मैंने पानी में बैप्टिज्म मिला था वहाँ विशेष दिन था. It was a glorious experience. एक बहुत महिमा वाला एक्सपीरियंस था. But then it says you will be baptized with the Holy Spirit and fire. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि फिर तुम पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस होंगे और आग से. And then we see in the book of Acts many believers are being baptized with this spirit. और फिर हम देख सकते हैं कि बहुत विश्वासी लोग इसी तरह बपतिस्म को पाया है. I wasn't very satisfied with that kind of answer. और इसी इस ऐसा उत्तर से मुझे
इतना संतुष्टि नहीं था अंदर में. One day I visited a different church. एक दिन मैं एक दूसरा चर्च को मैंने विजिट किया. There were about 7-8 members in that church. वहाँ पे 7-8 members रहेंगे. And there was a preacher from Sri Lanka. और वहाँ पे एक प्रचारक था श्रीलंका से. And he was preaching in English, and someone was translating in Nepali. और वो English में बातें कर रहा था और कोई translate कर रहा था नेपाली में. And he said, "You must be baptized in the Holy Spirit." और उसने बोला तुमको पवित्र आत्मा द्वारा बैप्टाइज होना है. I said, "I have been asking these questions. No one has given me the answer." और मैंने बोला कि मैं question को पूछ रहा हूँ. कोई भी मुझे उत्तर नहीं दे रहा है. And I was a very shy, feeling boy on those days. और उन दिनों में मैं बहुत शर्म करने वाला जैसा लड़का था. And I had no idea how to speak in English. और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कैसे मैं अंग्रेजी में बात करूं. So I went to the man who was translating him. और फिर मैंने जो उस व्यक्ति के पास गया जो ट्रांसलेट कर रहा था उनको. And I said, "How can I be baptized in the Holy Spirit?" और मैंने उनको पूछा कि कैसे मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा. And he took me to the man who was preaching from Sri Lanka. और उसने मुझे वो व्यक्ति के पास लेके गया जो श्रीलंका से आए थे प्रचार कर रहे थे. He was tall and dark looking man. वो बहुत लंबा व्यक्ति था और काला रंग का था. And he looked into my eyes. और उसने मेरे आंखों में देखा. Do you really want to be baptized in the Holy Spirit? उसने मुझे पूछा कि तुम चाहते हो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा होने के लिए? I said, I don't know, but yes, if there is. मैंने बोला कि मुझे नहीं मालूम कि लेकिन मैं चाहता हूँ. Then he said, write down these Bible verses. अभी उसने बोला कि अभी ठीक है तुम ये Bible verses लिख लो. I had a New Testament in my hand. मेरे पास एक नया नियम था हाथ में. So at the back of that New Testament. और इस नया नियम के पीछे में. He said, write down. उसने बोला कि लिख लो. So I wrote. मैंने लिख लिया. Acts chapter 2. Acts chapter 2. Acts chapter 4. Acts chapter 4. Acts chapter 8. Acts chapter 8. 9. 9. 10. 10. And that's all. और वही. He said read and 19 also. और उसने बोला कि इसको पढ़ो और 19 भी पढ़ो. 2, 4, 8, 9, 10 and 19. 2, 4, 8, 9, 10 और 19. I still have that in my mind. आज भी मेरा वो मन में है. But I was also a school teacher at those days. लेकिन उन दिनों में मैं एक school teacher भी था. The whole week I went to school. और पूरा सप्ताह मैं school में जाता था. I forgot to read those verses. मैंने उस verses को पढ़ना भूल गया. But then Friday came. लेकिन Friday आया. In Nepal, worship is conducted on Saturday. और नेपाल में worship Saturday को किया जाता है. क्योंकि Sunday छुट्टी नहीं है. Because Sunday is not a holiday. So Friday I had to prepare for the church. इसलिए फ्राइडे को मुझे प्रिपेयर करना है चर्च के लिए. Then I remember, oh my goodness, last Saturday the man said I must read these verses in order to be baptized in the Holy Spirit. फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे तो ये पढ़ना था ये उन्होंने बताया था पढ़ने के लिए. It was already 10 at night. और वो 10 बज तब 10 बज गया था रात को. So before going to bed, as I always used to pray. और वैसे ही जब मैं सोने से पहले जैसे मैं प्रार्थना करता था. I started to read Acts chapter 2, chapter 4, chapter 8. और फिर मैंने शुरुआत किया Acts chapter 2 पढ़ने के लिए, 4 पढ़ने के लिए, फिर 8 पढ़ने के लिए. By the time I finished chapter 8, और जब तक मैंने 8 को पढ़ा था, I was feeling sleepy. मैं मुझे नींद आ रहा था. I could not understand anything. मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. There was nothing that told me this is how you have to be baptized in the Holy Spirit. और कुछ भी वहाँ पे लिखा नहीं था कि ऐसे तुम्हें पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म लेना है. I closed the Bible. मैंने बाइबल को बंद किया. And I knelt inside my mosquito net. और मैंने वहाँ पे kneel down किया मेरे mosquito net के नीचे में. It's very hot, just like Guwahati, that place. बहुत गर्म था उस time में जैसे Guwahati में. And I began to pray. और मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया. Before than that. उससे पहले. I could never speak. मैं कभी भी बात नहीं कर पाता था. When I speak. जब मैं बात करता था. The saliva used to come out of my mouth. मेरा मुंह से थूक निकलता था. And my tongue is very short. और मेरा जीभ बहुत छोटा था. Last month I went to a dentist. पिछले हुए मंथ में मैंने एक डेंटिस्ट के पास गया था. Then he said, lift your tongue. उसने बोला कि अपना जीभ को उठाओ. And he said, wow, you have no tongue. और उसने बोला कि तुम्हारा जीभ ही नहीं है. How do you speak? तुम कैसे बात करते हो? Because some children have some vein that sticks your tongue to your bottom jaw. और किसी संतान का उसका जीभ किसी प्रकार से नीचे में लगा होता है. If I speak for a long time, अगर मैं ज्यादा समय तक बातें करता हूँ, my tongue used to hurt. It is to pain at the bottom of tongue. मेरा जीभ नीचे में दर्द होता था. So even the dentist was surprised. You never did any surgery for this? और dentist भी बहुत surprised हो गया था. उसने बोला कि तुमने कभी इसको सर्जरी नहीं किया.
So that I had never prayed in public or with open loud voice. और मैंने कभी भी पब्लिक में या बहुत जोर से प्रार्थना नहीं किया था. That day I started to open my mouth. और उस दिन में अपना मुंह को खोलने लगा. And I said, Lord Jesus. और मैंने बोला प्रभु यीशु. Today, not today. Last Saturday, that man said, I must be baptized in the Holy Spirit. और बीते हुए शनिवार को उस व्यक्ति ने बोला था कि मुझे पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म जरूरी है. आई वॉन्ट टू बी बैप्टाइज इन द होली स्पिरिट. मैं पवित्र आत्मा द्वारा बैप्टाइज होना चाहता हूँ. आई डोंट नो हाउ एंड व्हाट इट इज. मैं नहीं जानता कैसे और कैसे ये संभव है. इफ इट इज नेसेसरी फॉर मी. अगर ये जरूरी है मेरे लिए. लॉर्ड बैप्टाइज मी. प्रभु मुझे बैप्टाइज करो. द लास्ट सेंटेंस आई सेड वॉज. और अंतिम जो सेंटेंस था मैंने बताया. आई सेड लॉर्ड गिव मी द एबिलिटी टू स्टैंड अगेंस्ट द पावर ऑफ सैतान. और मैंने बोला कि मुझे वो सामर्थ्य दो शैतान का सामने में खड़ा होने के लिए. As I said that statement, जब मैंने इस बात को बोला, my hand went up, मेरा हाथ ऊपर उठ गया, and I started to repeat that sentence again and again. और उस सेंटेंस को मैंने रिपीट करना फिर से शुरू कर दिया. And my voice became louder. और मेरा आवाज बहुत बड़ा हो गया. And I fell on my back. और मैं अपना पीछे में गिर गया. As I fell on my back, जब मैंने अपना पीछे में गिर गया, I didn't know I pulled the mosquito net also. मैंने जो मॉस्किटो नेट था उसको भी मैंने तो पुल किया. I was covered with mosquito net. और मैं मॉस्किटो नेट से कवर हो गया था. And I shouting with top of my voice. और मैं अपना पूरा जोर जोर से चिल्लाना लगा. I was praying something that I didn't understand. मैं कुछ प्रार्थना कर रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था. I had never heard anyone speak like that. मैंने कभी भी किसी को ऐसे बातें किए हुए नहीं सुना. My room was on the ground floor. मेरा रूम नीचे में था. The window was open. और खिड़की खोला हुआ था. The door was closed. और दरवाजा बंद था. So the neighbors began to come through the window, come to the window. और जो पड़ोसी था वो विंडो में आने लगा. They say he's gone mad. उन लोग ने बोला कि ये पागल हो गया. They started to shout, knock on the door. वो लोग चिल्लाने लगा और दरवाजा में खटखटाने लगा. I wanted to get up. मैं उठना चाहता था. But I couldn't get up. मैं लेकिन उठ नहीं पाता था. I wanted to stop speaking. मैं बात करना बंद करना चाहता था. I couldn't stop. लेकिन मैं बंद नहीं कर पा रहा था. Somehow at the back of my head I was feeling shy. और मेरा सर का पीछे मैं ऐसे शर्म लग रहा था. But at the same time my body was as though it was flying. लेकिन मेरा शरीर ऐसा हो रहा था कि जैसे वो उड़ रहा था. Something was happening that I could not explain. कुछ ऐसा हो रहा था जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं. One of them ran to my pastor. और एक जन वहां से मेरे पास्टर तक दौड़ा. He said, "Your Christian man is going to die in his room." और आपका जो क्रिश्चियन व्यक्ति है वो मरेगा अपना रूम में. Either he is demon possessed or he's gone mad. शायद उसमें भूत लग गया है या वो पागल हो गया है. They came to the room. वो रूम में आया. लेकिन they couldn't come inside the room because it was locked. वो रूम में नहीं आ पाया क्योंकि वो रूम तो लॉक था. And there was no light. I had turned it off. लाइट नहीं था मैंने उसको ऑफ कर दिया था. From the window they looked inside with the torch light. और लोग खिड़की से उन लोग टॉर्च मार के देखा. And the pastor said. और पास्टर ने बोला. I think you went to that church last Sunday. मुझे ऐसा लगता है तुम उस चर्च में गया था last Sunday. That church is a false church. और वो कलीसिया एक झूठा कलीसिया है. They teach about the baptism of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म के विषय में सिखाता है. But it is not the Holy Spirit. लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है. This is दुष्ट आत्मा. ये डिमोनिक स्पिरिट है. When he said this is the demonic spirit, जब उसने बोला ये दुष्ट आत्मा है, something happened in my heart. कुछ हो गया मेरा हृदय में. I stopped speaking. मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया. And I got up. और मैंने वहां से उठा. And I saw all over my face the mosquito net. और मैं अपना मुंह में देखा पूरा मॉस्किटो नेट लगा हुआ. And then I said to him, brother. और मैंने उसके बाद बोला भाई. Leave me alone. मुझे अकेला छोड़ दो. Today God has done a special work in my life. आज मेरा परमेश्वर ने मेरा जीवन में एक बहुत विशेष काम किया. I am not filled with demonic spirit. मैं बुरे आत्मा से नहीं भरा हूँ. I am being filled with the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा द्वारा आज परिपूर्ण हो गया हूँ. Leave me alone. मुझे अकेला छोड़ दो. And I fell back again and went into the same. और मैं फिर से गिर गया और फिर वही होते रहा. I did not know when they left. और मैं नहीं जानता वो लोग कब चले गए. Until 3 o'clock in the morning. और तीन जब तक सवेरा 3 बज गया था. That was an amazing experience. ये बहुत एक आश्चर्य एक्सपीरियंस था. My heart was so filled with the love of God. मेरा हृदय इतना परमेश्वर का प्रेम से भर गया था. As if it's going to burst open. ऐसा लग रहा था कि ये फट जाता हृदय. And there was a fear in my heart and mind before that day. और उस दिन से पहले मेरा मन में एक डर और संकोच था. My family had rejected me. मेरा परिवार ने मुझे रिजेक्ट किया.
And I had no idea what to do in life. और मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं अपना जीवन में क्या करूँगा. But that day, the fear disappeared. लेकिन उस दिन में मेरा डर खत्म हो गया. And what is more amazing? और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य क्या है? I was speaking until 3 o'clock with a loud voice. और मैं 3 बजे तक बहुत जोर-जोर से बोल रहा था. My tongue was not paining. मेरा जीव दर्द नहीं हो रहा था. And the morning when I went to church, और जब मॉर्निंग को मैंने चर्च में गया, the saliva stopped coming. मेरा मुख से जो थूक निकलता वो बंद हो गया. I could never face people and speak before. मैं कभी भी लोगों को सामने से बात नहीं कर पाता. I always had to hide and speak. मुझे हमेशा चुप के बात करना पड़ता था. Because it is just come out of my mouth. खाली वो मुंह से निकलता था. Because I had to push my tongue to make words. क्योंकि मैं अपना जीभ को बहुत रखना पड़ता था उस सबको बोलने के लिए. But from that day onward, लेकिन उस दिन से, my speech was free. मेरा बातें पूरा फ्री हो गया. No saliva. कभी भी थूक नहीं निकलता था. And more than that, और उससे भी ज़्यादा, that day, I decided to give my life for the ministry. उस दिन को मैंने निर्णय लिया कि मैं अपना जीवन को मिनिस्ट्री के लिए दे दूंगा. Within a few months, और थोड़े ही महीने के बाद, I was kicked out of the school. मुझे स्कूल से निकाल दिया गया. Because I was preaching the gospel. क्योंकि मैं गॉस्पेल का प्रचार कर रहा था. And I was forced into full-time ministry. और मुझे full-time ministry में फोर्स किया गया. Until today, आज तक, this experience remains living and vivid. और ये जो एक्सपीरियंस था ये आज तक मेरा मन में या जीवन में जीवित है. You may not have to go through the same experiences. आपको ऐसा एक्सपीरियंस से जाना जरूरी नहीं है. You may be cooking in the kitchen and expecting God to fill you, and you can be filled in your kitchen. आप किचन में शायद खाना पका रहे हैं और परमेश्वर से आशा कर रहे हैं कि आपको परमेश्वर परिपूर्ण करेगा. But आप वहाँ पे परिपूर्ण हो सकता है. If you are expecting, if you are believing, लेकिन आप अगर आशा कर रहा है और विश्वास कर रहा है, and you are praying, अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं, you are asking God, give me power to overcome the power of the enemy. आप परमेश्वर का अगर पूछ रहे हैं कि परमेश्वर मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो, शैतान का शक्ति को हराने के लिए. God, I want to be a powerful Christian. परमेश्वर मैं एक शक्तिशाली क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ. I want to be a Christian in whose life there are fruits of the Holy Spirit. मैं ऐसा क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ जिसका जीवन में पवित्र आत्मा का फल है. He will fill you. वो आपको परिपूर्ण करेगा. Many Christians do not have that eager expectations. बहुत क्रिश्चियंस का वो आशा नहीं है. Because their pastors were trained in a false doctrine. क्योंकि उन लोग का पास्टर्स फॉल्स डॉक्ट्रिन में उन लोग को ट्रेनिंग दिया गया. And those pastors are teaching that the day you receive baptism of water, you have received that experience. और वो पास्टर लोग सिखा रहा है कि जिस दिन आपने पानी का बैप्टिज्म लिया है उस दिन आपको पवित्र आत्मा मिला गया. And they are robbing the people of God this amazing divine experience. और वो परमेश्वर के लोगों को वो लोग दकायदी कर रहा है. We need to seek this amazing experience. और ये जो amazing experience हमें मिलना चाहिए. For that we need to be united in the church, united with fellowship with one another. और इसके लिए हमें एक साथ एक ही मन में रहना है, फेलोशिप में भी. Spend time in prayer, personal prayer, communal prayer. और प्रार्थना करना है, व्यक्तिगत करना है और कम्युनल भी करना है. And we need to believe in the promises of God and expect Him to fill us with the Holy Spirit. और पवित्र परमेश्वर का प्रतिज्ञा में हमें विश्वास करना है और एक्सपेक्ट करना है कि वो हमें पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण करेगा. What kind of experience did these disciples have? कैसा प्रकार का एक्सपीरियंस ये शिष्य के था? For them, they heard a sound. और इन शिष्यों ने एक साउंड को सुना था. Sound of a mighty rushing wind. एक बहुत जोर से आने वाला हवा जैसा एक साउंड को उन लोग ने सुना था. Then they saw the fire. फिर उन लोग ने आग को देखा था. Everyone had the tongues of fire on them. और प्रत्येक जन के ऊपर में जैसे आग का जीव था. And then they spoke in tongues and declared God's wondrous work. और उन लोग ने अन्य अन्य भाषा में बात किया और परमेश्वर का जो काम था उसको महिमा किया. They heard. उन लोग ने सुना. They saw. उन लोग ने देखा. And they spoke. और उन लोग ने बोला. So in the same way. और इसी तरह. When you are filled with the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण होंगे. You will hear the voice of God in your heart. आप परमेश्वर का आवाज को हृदय में सुन पाएंगे. You will hear His love being spoken unto you. आप उनके प्रेम को अपना हृदय में आप सुन पाएंगे. And you will love to hear the voice of God more and more. Excuse me, sorry. You will love to hear the voice of God more and more. और आप परमेश्वर का आवाज को और भी ज्यादा सुनने के लिए चाहेंगे. And you will see dreams and vision. God will give you new imagination. और आप dreams और visions और बहुत सारे चीजों को आपको कल्पना देगा परमेश्वर. You can even see miracles in your life. और आप अपना जीवन में miracles को देख पाएंगे. And then your mouth will be released to speak the words of God. और आपका मुख को परमेश्वर खोल देगा परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए. A person who is filled with the Holy Spirit cannot keep quiet, but
share the gospel. एक परमेश्वर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण है वो चुपचाप नहीं रह सकता है लेकिन वो सुसमाचार का प्रचार करेगा. In other words, this was a tangible, touchable, experienceable experience. और दूसरे शब्दों में ये एक महसूस करने वाला, छूने वाला या देखने वाला एक एक्सपीरियंस है. ये दिस इज नॉट मेबी आई हैव रिसीव्ड द स्पिरिट और मेबी आई डिड नॉट. ये ऐसा नहीं है कि शायद मैंने आत्मा को पाया है, शायद मैंने नहीं पाया है, ऐसा नहीं है. यू विल नो इन योर हार्ट यू हैव रिसीव्ड. आप अपने हृदय में, अपना इमोशंस में जान पाएंगे कि आपने पवित्र आत्मा को. देन व्हाट हैपेंड टू दीज डिसिपल्स आफ्टर दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट. और ये शिष्य को क्या हुआ जब ये लोग पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण हुए. नंबर 1, दे बिकेम बोल्ड टू प्रीच द गॉस्पेल. पहला बात है वो लोग बहुत साहसी बन गया सुसमाचार को प्रचार करने के लिए. बिफोर दे वर सो फियरफुल एंड फ्राइटेंड. उससे पहले वो लोग बहुत डरा हुआ था और बहुत डर में था. दे वर हाइडिंग इनसाइड. वो लोग छिप रहे थे. बट आफ्टर द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट. लेकिन पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म होने के बाद maybe 120 of them came out of the house. Shayad 120 jan ghar se bahar aa gaye. Some went to the roof. Koi koi chhat ke upar gaya. Some went to the balcony. Koi koi balcony mein gaya. Some went down to the street. Koi koi raston mein gaya. They began to speak the words of God in a powerful way. Wo log pavitra parmeshwar ka vachan ko bahut shaktishali roop se prachar karna shuru kar diya. And the church was birthed. And uske baad kalisya pura shakti se bhar gaya. And they became fearless to face persecution. Aur wo log bahut wo log उन लोग का हृदय में डर नहीं था परसिक्यूशन को फेस करने के लिए. दे डिड नॉट केयर इफ दे वर पुट इन प्रिजन और हरास्ड और किल्ड. उन लोग का कोई केयर नहीं कर रहा था उन लोग को अगर प्रिजन में या उसको हैरेस करेगा मार डालेगा. दे वर फिल्ड विद द पावर ऑफ गॉड. वो लोग पवित्र आत्मा इस परमेश्वर का शक्ति से परिपूर्ण हो गया था. नथिंग एंड नो वन कुड स्टॉप देम. कोई भी या कोई चीज भी वो लोग को नहीं रोक पाएंगे. द नेक्स्ट थिंग यू विल सी इन चैप्टर 2 दे बिकेम फ्री फ्रॉम द मटेरियल ग्रीड. और चैप्टर 2 में आप देख पाएंगे कि वो जो जगतिक जो चीजें उसका जो लोभ है उससे वो लोग मुक्त हो गए थे. They began to sell their houses and land and property and come together to share with one another. उन लोग ने अपना घर जमीन सब कुछ बिक्री करके एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया. When we are filled with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण होते हैं, we are filled with the love of God. हम पवित्र परमेश्वर का प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं. We are filled with the love for the word of God. हम परमेश्वर का वचन के प्रेम से हम लोग परिपूर्ण होते हैं. एंड वी बिकम फ्री फ्रॉम ग्रीड. और हम लोग लोभ से हम लोग मुक्त होते हैं. द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड डोंट बिकम सो अट्रैक्टिव टू अस. और ये जगत का जो चीजें है ये सब हम लोग के लिए अट्रैक्टिव नहीं होता है. सो द डिसिपल्स वर फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड दे बिकम जेनरस एंड गिविंग. इसलिए वो लोग ये शिष्य लोग अपना मोह माया से वो लोग फ्री हो गए थे वो लोग लेकिन दे रहे थे सब. एंड दे बिकेम यूनाइटेड इन फेलोशिप इन प्रेयर एंड इन द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. और वो लोग यूनाइटेड हो गया था प्रेयर फेलोशिप और वर्ड का मिनिस्ट्री में. व्हेनेवर अ पर्सन इज फिल्ड विद द होली स्पिरिट. जब भी एक व्यक्ति पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण होता है, ही और शी लॉन्ग्स टू बी इन द प्रेयर मीटिंग. वो प्रेयर मीटिंग में उसको आने के लिए उसका हृदय में एक बहुत उत्सुक रहता है. ही लॉन्ग्स और शी लॉन्ग्स टू कम टू द फेलोशिप. वो फेलोशिप में आने के लिए बहुत उत्सुक रहता है. ही और शी लॉन्ग्स टू रीड एंड मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. और वो बहुत उत्सुक होता है सीखने के लिए या परमेश्वर का वचन को पढ़ने जानने के लिए. द बाइबल बिकम सो प्रेशियस टू दैट पर्सन. और उस व्यक्ति के लिए बाइबल बहुत प्रेशियस हो जाता है. एंड फाइनली दे सॉ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द चर्च. दैट मींस ट्रेमेंडस ग्रोथ. और फिर उन लोग ने चर्च का वृद्धि को भी देख पाया. विद इन दैट डे. और उस दिन को 3,000 पीपल एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट. 3,000 लोग ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया. इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और एक उसी छोटे समय में देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन जेरुसलम हु बिलीव्ड इन क्राइस्ट. बहुत हजार हजार लोग ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया. व्हेन द पर्सिक्यूशन केम इन जेरुसलम. जब पर्सिक्यूशन जेरुसलम में आया, दे वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज. वो लोग दूसरे दूसरे देशों में चले गए. वेयर एवर दे वेंट. जहां भी वो लोग गए, अ न्यू चर्च केम आउट. एक नया चर्च कलेसिया निकल आया. विद इन 300 ईयर्स. और 300 साल में द रोमन एम्पायर कंप्लीटली वॉज सेव्ड. और पूरा रोमन एम्पायर पूरा उद्धार पाए थे. The emperor had become believer. और जो emperor था वो विश्वासी बन गया. And the church became so powerful. और church बहुत शक्तिशाली बन गया. When believers seek the baptism of the Holy Spirit. जब विश्वासी लोग पवित्र आत्मा का baptism को ढूंढेगा. They become strengthened by the Holy Spirit in their innermost being. वो अंदर में जो अंदरूनी इंसान है उसको पवित्र आत्मा द्वारा वो शक्तिशाली बनता है. And their vision is clear. They see the works of God. और वो परमेश्वर का कामों को देख पाता है. उसका vision clear हो जाता है. Their ears are clear and they hear the voice of God. उनका कान भी क्लियर हो जाता है. परमेश्वर का आवाज को सुन पाता है. And their mouth, their tongue is anointed by the Holy Spirit. They speak life-giving words. और उसका मुंह और जीभ
पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक पाता है, वो जीवन देने वाला सबको वो बोलता है। And wherever they go, और जहां भी वो जाते हैं, the kingdom of God comes. परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। The temple of God comes. और परमेश्वर का मंदिर आता है। And God begins to work in their life. और परमेश्वर उन लोग का जीवन में काम करना शुरू करता है। Do you want to become a powerful believer? आप एक शक्तिशाली विश्वासी बनना चाहता है? Do you want to see the visions of God? आप परमेश्वर का दृष्टि को देखना चाहता है? Hear the voice of God? आप परमेश्वर का आवाज को सुनना चाहता है? In your innermost being, you become a confident person. आपका अंदर में आप बहुत confident व्यक्ति बनना चाहता है? Seek the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को आप लोग ढूंढिए। Go back home. आप घर में जाइए। Start praying. प्रार्थना करना शुरू कीजिए। And say, Lord, fill me with the Holy Spirit. और बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण कीजिए। Maybe the Spirit can come with a small breeze. और शायद पवित्र आत्मा एक बहुत ठंडा हवा जैसे आएगा। Or he can come like a thunderous mighty wind. या एक बहुत जोर से आने वाला तूफान के तरह। तूफान जैसा आएगा। Or he can come like a lightning. या वो एक बिजली जैसे आ सकता है। Or he can come when you are simply sitting and praying in your living room. Yeah, वो ऐसे भी आ सकता है अगर आप ऐसे ही आप बैठ रहे हैं living room में. He can even come when you are sweeping your house. वो आप जब झाड़ू मार रहे हैं तब भी आ सकता है वो. He will come. ले वो आएगा लेकिन. And when he comes. जब वो आएगा. Your life will be different. आपका जीवन Your mind will be different. आपका मन चेंज हो जाएगा. Your heart will be different. आपका हृदय different होगा. Your priority in life will be आपका different. आपका जीवन का जो चीजें हैं वो different होगा. You will become like a tree planted by the river. आप ऐसे एक पेड़ बन जाएंगे जो नदी में लगाया है बहुत नदियों में. Wherever you go. जहां भी आप जाएंगे. The favor of God will come. परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास आएगा. The grace of God will cover you. परमेश्वर का अनुग्रह आपको कवर करेगा. And your hand will be a hand of blessing. आपका जो हाथ है वो एक आशीष का हाथ बन जाएगा. Let us close our eyes and pray for a moment. आइए हम लोग अपना हमें हमारे आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे. And say, Lord Jesus. आइए हम लोग बोलेंगे प्रभु यीशु। I want to be baptized in the Holy Spirit. मैं चाहता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण हो जाऊँ। I want to experience this life-giving power of the Spirit. मैं ये जो जीवन देने वाला शक्ति को मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। There are times I'm afraid and fearful. बहुत समय मैं डरता हूँ और मैं फियरफुल हूँ। There are times I don't know what to say.